अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ नवीन अली और ईद उल अज़हा में चंद ही रोज बाकी रह गए हैं और मवेशी मंडी में रौनक जो है वो अरूज पर है। एक तरफ बकरे, वेड़े और लेले जो कि मैंने गुज़श्ता कुछ वीडियोस में आपको दिखाए हैं, उसके अलावा बड़े तादाद में जो जानवर है यहाँ पर मौजूद है, ना सिर्फ जानवर बल्कि खूबसूरत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीसीस भी जो है वो मंडी के अंदर मिल रहे हैं और ऐसे में जो ऊंट है वो भी किसी से पीछे नहीं है। मैं इसी तरह से एक रावी किनारे एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर ऊंट ही ऊंट मौजूद है और इनके व्यापारी जो है वो भी यहाँ पर खड़े हैं और ऊँटों के जो खरीदार हैं वो भी यहाँ पर घूम भी रहे हैं और रेट फाइनल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बात को मुख्तसर करते हैं और आगे डायरेक्टली चलते हैं व्यापारी साहब के पास और उनसे जानते हैं कि वो कितने जानवर किस नस्ल के किस रेट पर लेकर आए हैं लोगों के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? कितने जानवर लेके आए? 25 जानवर, 25 ऊँट है। कौन सी नस्ल है? मड़ेचे व्यान, देसी व्यान, टाणो व्यान। अच्छा, क्या रेट की है? 6 लाख। इसका 6 लाख। ये जो ऊँट मेरे पीछे, इसका 6 लाख रुपए है? तो इसको क्यों तुमने 6 लाख रुपए रखा है? पिछु बड़े महंगे ऊँट लाते हैं, पिछु बड़े महंगाई है, ऊँट बड़े महंगे लाते हैं। ये तुम लोगों ने खुद पाले हैं? नहीं, पिछु मोल लाते हैं। पीछे से लेके आए हो? कब आए हो यहाँ पे? 2-3 दिन हो गए। वैसे तुम्हारे सर के ऊपर ऊँट की मुँह कितना अच्छा लग रहा है? जो मर्जी खिला दो, गर्मी भी तो इतनी ज्यादा ना, इस गर्मी के अंदर कुछ उनका ख्याल स्पेसिफिक रखना पड़ता है। आटे वाला पानी दाल में ना, कच्ची बना गए वो प्याज। अच्छा, वो देखो ना, वो वाले वो जो भाई साहब है ना, बड़े भाई साहब, वो सारा कुछ बड़ा कुछ अच्छा अच्छा बता रहे हैं, शक्कर आटे वाला पानी, बड़े एक्सपर्ट लग रहे हैं उनसे जरा बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर सैन। शबीर साहब, क्या इनको स्पेसिफिक इन खुराक है कि बीमार ना हो, खराब ना हो? इसके लिए गर्मी के लिए ना जो होता है ना, आटा हो जाए अंदम का और शक्कर हो जाए, पानी में मिक्स करके ना वो इसको डालिए, तो वो इसके सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा। गर्मी में अभी ना गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोगों ने भी यहाँ पर जो ऊँट रखे हुए हैं बिल्कुल खुले में पड़े हुए हैं, तो इनको गर्मी की वजह से नुकसान नहीं होता? गर्मी वजह होता है, लेकिन क्या करिए, मजबूरी है, इधर से सहूलत नहीं है। हाँ जी, वो कहते हैं खुद ही आप लगवाओ, तो मुझे लगवाना है ना, वो खुद ही अपने पैसे से लगवाए, वो हमें नहीं ना अफोर्ड कर सकते। अभी आप 6-6 लाख का ऊँट दे रहे हो, सबसे महंगा जानवर आपके पास कितने का? ये वाला ही है बस, 6 लाख का। और सबसे सस्ता कितने का? सबसे सस्ता 3 लाख। फाइनल कितने का दोगे ये वाला? ये वाला, ये फाइनल मैं दूंगा 4.5, इससे कम नहीं। 4.5 का फाइनल दे दोगे? अच्छा ठीक है। और मुझे ये बताओ कि इन दिनों में तो चलो महंगी है ही है, ईद वाले दिन क्या रेट होता है? ये ईद वाले दिन का कोई कंफर्म नहीं होता, तेज भी हो जाती है और सस्ती भी हो जाती है। लोगों की क्या पोजीशन है, देखने वाले ज्यादा है खरीदने वाले ज्यादा है? देखने वाले अभी ज्यादा है, खरीदने वाले काम है, बहुत कम है। अच्छा, अभी तक कोई जानवर बिका आपका? हमारा तो नहीं बिका, साथ वाले आदमी को बिका है। अच्छा, हाँ जी। और उम्मीद है कि इस दफा 25 के 25 बिक जाएंगे इंशाल्लाह। अभी ये कुछ भी नहीं, अभी काफी जानवर आ रहे हैं। अच्छा, यानी मंडी की मेहरान की और बढ़ रही है, और तकरीबन कम से कम भी आएगा 100-150 ऊँट हो रहेगा। अच्छा जी, यानी लाहौर के अंदर इतना रुझान है जी, इंशाल्लाह है। चलें जी, वेरी गुड जी। बच्चों, आप लोगों ने जानवर खरीद लिए हैं? सारे अपनी बारी आई है, सबके साथ भाग गए हैं। लो जी, बकरों का रेट भी आपको मैंने बताया है, वेड़ों का रेट भी बताया है, और खूबसूरत जानवर भी आपको यहाँ पर दिखाए हैं। रह गए थे ऊँट, वो भी आप लोगों के सामने मौजूद है। 3.5 लाख, 3 लाख, और उसके बाद जो है मैक्सिमम, फिर आप जितना मीठा डालते जाएंगे उतना मिठास बढ़ती चली जाएगी। डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, डिपेंड करता है आपकी पसंद क्या है, और डिपेंड करता है कि व्यापारी के साथ आपका रेट कैसा तय होता है। अब मैं चल रही हूँ जानवर खरीदने, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।